टॉक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर उनियारा कस्बे के बनेठा क्षेत्र में पिछले 6 दिनों से पानी की घातक कमी दिखाई दे रही है और आधे से ज्यादा गांव के लोग पानी के लिए तरसते भी दिख रहे हैं। और जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। और ग्रामीणों का ये कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारी कॉल का जवाब नहीं देते हैं और कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि महिलाएं कुएं से पानी भरकर ला रही हैं, जबकि बनास नदी, जो कि कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, पानी की कोई कमी नहीं है। ग्रामीणों में जलदाय विभाग के प्रति गहरा गुस्सा भी व्याप्त है और उनके मुताबिक विभाग द्वारा सिस्टम की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते पानी की सप्लाई बार बार नहीं हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पिछले 6 दिनों से बनेठा आधे से ज्यादा कस्बे के अंदर पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है। बात करें अपन, सबसे बड़ी चीज ये जलदाय विभाग के जो अधिकारी है और जो कर्मचारी है, वो उनकी सबसे ज्यादा लापरवाही ये है, बिल्कुल सामने आई है। जब हमने इनसे जानकारी लेना चाहा कि पानी क्यों, किस तरह से क्यों नहीं आ रहा, क्या कुछ कहानी है, तो इन्होंने, हमने जयन को कॉल किया, जयन ने कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद में हमने जो जलदाय विभाग के AN हरिकेश मीणा है, उनको भी हमने कॉल किया, तो वो भी आज बिल्कुल, उन्होंने भी कॉल तक अटेंड नहीं किया। लगभग इस पानी की जो समस्या है, पिछले 6 दिनों से ये पानी की बिल्कुल समस्या हो रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो है कुएं से पानी भर करके अपने सिर के ऊपर बाल्टी रख करके ये महिलाएं अपने घर पे पानी लेकर के ये आ रही है जी। और फिलहाल इस पूरे मामले में जो उच्च अधिकारी है उनका, उन तक ये क्या मामला पहुंचा है, उनको अवगत कराया गया है कि आपने जैसा बताया कि AN JN कॉल्स उठा रहे हैं? बिल्कुल, हमने कई बार इनको परसों से, मेरी लगातार मैंने AN जो हरिकेश मीणा, परसों के दिन मैंने उनको कॉल किया था, तो वही इनका, कभी तो ये नाटक होते हैं, कभी मोटर इनकी जल जाती है, कभी कहते हैं पंप हाउस की जो मोटर है वो मोटरें जो पानी के अंदर डूब जाती है। कल भी मैं खुद मौके पे, मैं पंप हाउस में जाके आया था, तो वहां भी उन्होंने वही, मतलब कुल मिला के अपना पल्ला ये लोग अधिकारी जो है झाड़ रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही तो जो है इनके जो संबंधित जो अधिकारी है AN JN और ऐसी, ये लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सारा खामियाजा पूरे बनेठा कस्बे की जो जनता है वो भुगत रही है। आप ये देखिए, बनेठा कस्बे से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी है, वहां आप देख सकते हैं कि पानी की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इस हालात में भी आप ये देखो कि इतनी पानी की कमी आ रही है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। तो फिलहाल ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है? आपने बातचीत की होगी, आप ग्राउंड पे रहते हैं, क्या कुछ ग्रामीण कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम लगातार विजुअल और तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पानी की बाल्टियां लेकर कुएं तक जा रही हैं, कुएं से फिर घर तक आ रही हैं। बिल्कुल, मैं खुद मौके पे जाकर के मैंने कई महिलाओं से मैंने बातचीत की, कई मैंने पुरुषों से मैंने बातचीत की, सुबह मैंने गर्भवती महिला है उनसे मैंने बातचीत करी, तो वो भी अपना दर्द बयां कर रही थी कि मैं, आप देखो कि मैं कुएं से मैं पानी भर कर ला रहा हूँ, उस महिला की मानो लास्ट मतलब मंथ चल रहा है, फिर भी इतना जान जोखिम में वो महिला पानी कुएं से भर करके अपने घर के लिए लाती है। और आप, हमने सुबह भी, आज के 2-3 दिन पहले भी हमने News 21 जो उसके माध्यम से हमने प्रशासन को अवगत कराया था, हमने खबर भी चलाई थी, लेकिन उस खबर का भी अभी तक इन जो अधिकारियों के जूत तक नहीं रहेंगी अभी तक जी। ठीक है राजेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपसे अपडेट भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जलदाय विभाग की ये लापरवाही सामने आई है पेयजल संकट से, जहां महिलाएं कुएं से पानी भरकर डालने को मजबूर हैं। और ये उनियारा कस्बे की आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बनेठा क्षेत्र में पिछले 6 दिनों से पानी की घातक कमी हो रही है। और ये तस्वीरें जहां पर जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी इतनी दूर तक पानी की बाल्टियां लेके जाना पड़ रहा है। और अपने आप में ये सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो कोई रुख नहीं कर रहे हैं इसकी ओर, और साथ साथ कॉल्स भी नहीं उठा रहे हैं। अब लगातार सवाल जो वो है खड़ा हुआ है, बड़ा सवाल अधिकारियों पे, उच्च अधिकारियों तक ये मामला जाए और इस पे जल्द ही जल्द इनका समाधान निकले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं
वो पानी की बाल्टी भरकर घर तक आ रही हैं, कुएं तक जाती हैं और आधे से ज़्यादा गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और जलदाय विभाग के अधिकारियों और जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी ये घोर लापरवाही के कारण हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं। और हम जो उपखंड अधिकारी हैं शत्रुघ्न सिंह जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए उनको हम कॉल लगा रहे हैं, तो आप तस्वीरें भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। साथ साथ जो AEN है, JEN है, वो कॉल्स नहीं उठा रहे हैं। अब उसके बाद हमने जो उपखंड अधिकारी हैं उनियारा के शत्रुघ्न सिंह गुर्जर जी, उनको कॉल लगाने का प्रयास लगातार टेक्निकल टीम कर रही है। वो जैसे ही कॉल उठाते हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे इन सारे सवालों का, जिस तरह से जनता मजबूर है, जनता तरस रही है पानी के लिए। तो जलदाय विभाग की लापरवाही से पेयजल संकट सामने आ रहा है और महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाने को मजबूर है। शत्रुघ्न जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर, News 21 से मैं हर्षदा बोल रही हूँ। हाँ, शत्रुघ्न जी, ये उनियारा से एक मामला सामने आया जहाँ लोग, जनता तरस रहे हैं पानी के लिए और AEN JEN अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? उनियारा प्रॉपर की आप बता रहे हैं क्या बात मैडम? बनेठा की बात आप बता रहे हैं। कल बनेठा में जन सुनवाई थी और कुछ इश्यूज मेरे समक्ष भी लोगों ने रखे थे। मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जी, विद्युत आपूर्ति के संबंध में बताया था, तो मैंने इन सबको निर्देश दिए थे। क्या कारण है शत्रुघ्न जी, क्या कारण है? क्या ज्यादा होने की वजह से जो है, जो इंसुलेटर वगैरह होते हैं उसमें तकनीकी कोई खराबी आ जाती है, वो इश्यूज थे। तो उस खराबी को किस तरह से निस्तारण किया जाएगा, उस खराबी का? उस खराबी को निस्तारण करने के लिए मैंने AEN साहब को निर्देश दे दिए, जो भी इनकी FRT टीम होती है, तकनीकी टीम होती है, वो जैसे शिकायत प्राप्त हो उसके ऊपर त्वरित गति से देख के उसका निस्तारण करने के मैंने निर्देश उनको दिए। तो सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जलदाय विभाग के अधिकारी हैं ये AEN JEN, हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि कॉल नहीं उठा रहे थे वो लोग। ये चीज मेरे संज्ञान में भी आई है, मैं उनको पाबंद कर देता हूँ, कोई भी व्यक्ति फोन करे तो बिल्कुल सरकारी कर्मचारी को उसका फोन उठाना चाहिए, इसके लिए वो पाबंद है। निजात मिल जाएगी समस्या से? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन में निजात मिल जाएगी इस समस्या से? 6 दिन तो हो चुके हैं, 1 हफ्ता हो गया है। और नहीं, ये फोन वाली बात आपने अभी बताई है, उनको पाबंद कर देते हैं, सभी को फोन उठाना आवश्यक है। सर मैं पूछ रही हूँ कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो समस्या है इससे कब तक निस्तारण मिल जाए, कब तक निजात मिलेगी जनता को? समस्या जो बताई थी बिजली की समस्या थी, तो वो अतिवृष्टि होने की वजह से इश्यूज थे, वो 1-2 दिन में शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए आपका। तो शत्रुघ्न जी हमारे साथ उपखंड अधिकारी जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो ये समस्या है इसमें जनसुनवाई भी बीते दिन हो चुकी है, जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें तमाम तरीके की मांगे हैं और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण भी कर दिया जाएगा।